हेलो एवरीवन दोस्तों, जब से आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, तब से एक कंफ्यूजन है जो बच्चों के बीच में घूम रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी आपने देखे होंगे, कुछ टेक्निकलिटी भी है जिसके रिगार्डिंग रेलवे ने नोटिफिकेशन भी निकाला है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात क्या है उसको मैं यहाँ अपने तरीके से सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन था वो सिर्फ 5 पोस्ट के लिए ही निकलता, ए बी सी डी ई। ए की 2 वैकेंसी होती, बी की 2 वैकेंसी होती, सी की 2 वैकेंसी होती, डी की भी 2 वैकेंसी होती और ई की मान लीजिए 3 वैकेंसी होती। ठीक है, टोटल कितना हो गया? टोटल 11 वैकेंसी हो गया। तो रूल्स के मुताबिक टियर 1 के बाद, स्टेज 1 के बाद 11 × 20 यानी कि टोटल 220 बच्चों को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ये रेलवे के रूल्स बुक में है। अब क्या हुआ है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने जब अप्लाई किया होगा तो मान लीजिए उसने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन जब उसने एग्जाम दिया तो 5 नहीं, उसने सिर्फ उसमें से 4 ही पोस्ट का कट ऑफ उसने क्लियर किया। ठीक है, अब क्या होगा कि उस 220 में से वो 4 सीट लेके जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? वो भले ही एक ही बंदा है लेकिन क्योंकि उसने कट ऑफ क्लियर किया है 4 पोस्ट का, तो वो 220 में से 4 पोस्ट लेके जाएगा। 11 में से 4 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 220 में से 4 लेके जाएगा। तो वही बात है दोस्तों कि सिलेक्शन होना था तकरीबन 35,000 वैकेंसी थी, तो 7 लाख बच्चों के आसपास सिलेक्शन होना चाहिए था टीयर 1 के बाद, लेकिन एक्चुअल में देखा जा रहा है कि 2-3 लाख बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है। वो इसी रीजन से, क्योंकि एक बच्चे ने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एलिजिबल थे या नहीं थे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कट ऑफ उन्होंने सारे पोस्ट की, मल्टीपल पोस्ट की क्लियर कर ली है, इसीलिए जो नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गए। अब जैसी भी ये, इसको आप खराब कहें अच्छा कहें, जो भी है यही है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये यह हो जाता है कि जिन बच्चों का लिस्ट में नाम होता है उनका फाइनल सिलेक्शन का, उनका जॉब मिलने का चांस थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बस इतना ही, थोड़ा पॉजिटिव है, ऐसे मैं भी इसका क्रिटिक ही हूँ, ये बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ अपनी, मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का रिजल्ट कि मेरा लिस्ट में नाम है, बैंगलोर जोन से मैंने अप्लाई किया था और लिस्ट में मेरा रोल नंबर था, बस इतना ही पता था। लेकिन अब क्या है कि रेलवे ने स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिया है और बाकी डिटेल्स लाइक फाइनल आंसर की भी रिलीज कर दी, तो अब ज़्यादा कुछ मुझे पता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरा स्कोर कार्ड और मेरा डिटेल्स, वो भी आप देख पा रहे होंगे। स्कोर जो है, रॉ स्कोर मेरा वो 68 पॉइंट समथिंग है शायद, और नॉर्मलाइज होने के बाद वो 82 पॉइंट समथिंग हो गया है। ठीक है, मेरा जो एग्जाम था वो 9 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में था, और जीके जो मुझे है वो थोड़ी टफ लगी थी और इसके वजह से मेरा जो रॉ स्कोर है वो कम हो गया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, नहीं तो मेरे कुछ तुक्का लगाया था जीके में लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो चलिए जितना ही मार्क्स है वो ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं तो मुझे कोई आइडिया नहीं था पोस्ट प्रेफरेंस का, सिर्फ एक पोस्ट मुझे पसंद थी एएसएम की, वो इसमें से कोई पोस्ट होगी, मुझे पता नहीं है कौन सा कोड है क्या है, बट एएसएम को मैंने प्रेफरेंस में ऊपर रखा था। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए अप्लाई क्यों किया जबकि मेरा सीजीएल तो निकल गया है, और अगर मैंने अप्लाई किया भी तो बैंगलोर जोन से क्यों अप्लाई किया। तो दोस्तों आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, एग्जैक्टली बात करूं तो 34 महीने पहले की बात है, उस टाइम आरआरबी एनटीपीसी का मैंने फॉर्म भरा था। उस टाइम मेरी हालत ये थी कि आरआरबी का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है कि रीजनल रूरल बैंक्स होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता था मुझे, और एनटीपीसी के बारे में तो मैं कन्फर्म था कि ये होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये मेरी हालत थी उस टाइम। उस टाइम भी मैं फॉर्म नहीं भरता था सीजीएल के अलावा कोई, और उस टाइम एक फ्रेंड ने मेरा सजेस्ट किया कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, ज़रूर भर दो, तो उसके हेल्प से मैंने भर दिया, और उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि बैंगलोर जोन से अगर भरोगे ना तो ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन का। तो मुझे उस टाइम लगता था यार पता नहीं, उस टाइम कुछ अंधकार था मेरे सामने कि पता नहीं कोई जॉब लगेगी भी कि नहीं, अगर बोल रहा है कि अच्छा है तो चलो भर देता हूं जैसा ये बोल रहा है, तो उसके कहने पर मैंने बैंगलोर जोन से भर दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जोन वाइज कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कट ऑफ का, थोड़ा बहुत किसी की जोन में लाइक पटना जोन या इलाहाबाद जोन है, इसकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर है, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। तो बस इतनी सी थी कहानी। बाकी अगर टियर 2 की बात करें तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड में नहीं हूं, मैथ्स तो ठीक है लेकिन जीके रीजनिंग मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, तो अगर मैं दूंगा फिर तो खराब ही जाएगा मुझे पता है। उसके पहले अगर एसएससी सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो अपीयर होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में एक्सपीरियंस के लिए चाहता हूं कि मैं जाऊं अपीयर हूं, लेकिन हां आगे मैं ज्वाइन नहीं करूंगा ये पक्की बात है, डीवी वगैरह में नहीं जाऊंगा ये भी पक्की बात है। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि मैं डीवी में नहीं जाऊंगा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं किसी पोस्ट को खराब कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पोस्ट काफी लोगों का सपना होता है, काफी अच्छी पोस्ट है, बट हाँ मेरे प्रेफरेंस में ये सब पोस्ट नहीं है। मैं
इस तरह प्रोफाइल की जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे ऐसा फील होता है सीजीएल के थ्रू जो जॉब लगेगी वो शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, मेरी ये गट फीलिंग है, इसलिए मैं सीजीएल को प्रेफर कर रहा हूँ। कुछ लोग रेलवे को ही प्रेफर करते हैं सीजीएल के ऊपर, तो अपनी अपनी चॉइस है। तो बस इतना ही था दोस्तों आरबी एनटीपीसी की कहानी मेरी। अब टीयर टू के बाद देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहता है वहाँ पर अगर मौका मिला देने का। तो बस फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।